पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अलर्ट हो गया है। आईबी ने रोड़ी स्थित स्पेशल सेल के कार्यालय में गुरुवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कई घंटे संयुक्त रूप से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मूसेवाला की हत्या में जिन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, वैसे हथियार तो आतंकी भी नहीं रखते हैं। हथियारों के इस्तेमाल को देखते हुए आईबी को जांच में लगाया गया है। पहली बार ऐसा देखने में आया है कि गैंगस्टर मामले में आईबी पूछताछ कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह में करीब 700 शूटर हैं। अधिकारी ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या वाली जगह पर तीन तरह के खोखे मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये AK-47 के भी नहीं है। वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार AK-47 से बड़े असले हैं। मूसेवाला की हत्या के लिए रूस निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय के आदेश पर देश के आईबी को जांच में लगाया गया है। आईबी ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी जसमीत, डीसीपी राजीव रंजन सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने बिश्नोई से करीब 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि बिश्नोई के पास हथियार मंगाने और किसी बाहरी व्यक्ति की सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भूमिका को लेकर इनपुट हो सकता है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में बताया कि उसने गोल्डी बराड़ को करीब 3 महीने पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के निर्देश दिए थे। उसने तिहाड़ जेल से मोबाइल से गोल्डी बराड़ से बात की थी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में किसी से मिलता नहीं है। ऐसे में उसने फोन के जरिए ही निर्देश दिए होंगे। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। वह हर बात को घुमा देता है। वह बार बार यही कह रहा है कि उसने हत्या करने के निर्देश दिए थे। उसे पता नहीं कि गिरोह के किन शूटरों या फिर किसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। लॉरेंस ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला विरोधी गिरोह देवेंद्र बम्बिया को वित्तीय और अन्य तरीकों से सपोर्ट कर रहा था, इसलिए पंजाब गायक की हत्या करवाई गई है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार लॉरेंस तिहाड़ में किसी से मिलता नहीं है। उसने सभी को मिलने से मना कर रखा है। उसे लगता है कि कोई विरोधी गिरोह का सदस्य उसे देख लेगा और किस तरह की गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे में वह मोबाइल के जरिए ही गिरोह के संपर्क में रहता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा करते हुए बताया कि उसके कहने पर ही कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। हत्या की साजिश 3 महीने पहले रची गई थी। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने रविवार शाम एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सिंगर की हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बराड़ गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।